नन्ही चूहिया राजकुमारी। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान था। वो अपने तीन बेटों के साथ रहता था। वो तीनों जवान और दिखने में खूबसूरत थे। किसान को अपने बेटों पर बहुत गर्व था। एक दिन किसान ने अपने बेटों की शादी करने का फैसला कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम तीनों लोगों को शादी कर लेनी चाहिए और इसीलिए अपने मन पसंद जीवन साथी की तलाश करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जीवन खुशी से बिताओ। मगर पिताजी, हम अपने जीवन साथी की तलाश कैसे करें? हाँ पिताजी, हमारे लिए ये काम बड़ा ही मुश्किल होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बस हमें बताइए कि करना क्या है। अरे जरूर बेटा, जीवन साथी ढूंढना हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और तुम सबको भी निभानी पड़ेगी। हाँ पिताजी। हमारे खेत में जाके एक एक पेड़ काटो, देखो कि वो पेड़ किस दिशा में गिरता है और उसी दिशा में जाके तुम्हारे जीवन साथी की तलाश करो। लेकिन पेड़ काटने से पहले तुम्हें एक पौधा लगाना पड़ेगा और मुझे वचन दो कि तुम उसका अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। हाँ पिताजी। लेकिन पिताजी, ये क्या बात हुई कि पेड़ काटने से पहले एक नया पौधा लगाना होगा? क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ काटना ही नहीं बल्कि नए पौधों को लगा के बहुत सारे पेड़ उगाने चाहिए। तीनों बेटों ने अपने पिता की बात मानी और सबसे पहले नए पौधे लगाए, फिर पेड़ काटना शुरू किया। सबसे बड़े बेटे ने पेड़ काटा तो वो उत्तर की दिशा में गिरा। ओ, उत्तर, क्या बात है। जिसे मैं चाहता हूँ वो उसी दिशा में रहती है। मैं उत्तर दिशा में जाऊँगा और उसे शादी की बात करूँगा। मंझले बेटे ने पेड़ काटा तो वो दक्षिण की तरफ गिरा। अरे वाह, इस पेड़ को कैसे पता कि मैं जिस लड़की को चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ वो दक्षिण में रहती है। मैं जल्दी ही अपना सफर दक्षिण की तरफ करूँगा। सबसे छोटे बेटे ने जो पेड़ काटा वो जंगल की दिशा में गिरा। दोनों बड़े भाई उस पर हंसने लगे। आप क्या करोगे, क्या तुमने सोच लिया कि तुम उसी दिशा में जाओगे? अरे क्यों छोटे भाई, तुम जंगल में शादी किससे करोगे, किसी भेड़िये से या फिर हिरनी से? मैं तो उसी दिशा में जाऊंगा जिस दिशा में ये पेड़ गिरा है। मुझे यकीन है कि मेरी जीवन साथी इस दिशा में जरूर मिलेगी। तीनों भाइयों ने अपना सफर शुरू किया। बड़ा भाई उत्तर की दिशा में गया और अपनी प्रेमिका से शादी की बात की। लड़की शादी के लिए तुरंत राजी हो गई। मंझला बेटा दक्षिण की तरफ गया और अपनी प्रेमिका से शादी की बात कही। उस लड़की ने भी तुरंत हाँ में जवाब दिया। तीसरा बेटा जंगल में काफी दूर तक भटकता रहा पर उसे कोई इंसान नजर नहीं आया। वो निराश हुआ और थकान के कारण आराम करने के लिए एक जगह ढूंढने लगा और उसे एक छोटी सी झोपड़ी जंगल में दिखी। उसे हैरानी हुई। वो अंदर गया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। हाँ, लेकिन वहाँ एक चूहिया जरूर थी। ओह, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम सिर्फ चूहिया हो, कोई इंसान नहीं। तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं अपनी जीवन साथी को ढूंढ रहा हूँ। इस जंगल में क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मिल जाएगी? नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तो मुझे वो जरूर मिलेगी। पर चिंता की बात यह है कि यहाँ कोई इंसान है ही नहीं, और अगर मैं ऐसे ही वापस अपने घर गया तो बहुत शर्मनाक बात होगी। तुम तो चूहिया हो, मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी कैसे बना सकता हूँ? मुझ पर भरोसा रखो। माना कि मैं चूही हूँ पर मैं तुम्हें सच में चाहूंगी और ख्याल में रखूंगी। हाँ, लेकिन चूहिया ने उसे मनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने नाच कर दिखाया, फिर एक खूबसूरत गाना भी गाया। थके हारे जवान वीको को काफी मजा आ रहा था और जब नाच गाना खत्म हुआ तो चूहिया वीको के जवाब का इंतजार करने लगी। वो उसे बड़े प्यार से देख रही थी। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी मान लेता हूँ। चूहिया ये सुनके बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि वो उसका वापस आने तक इंतजार करेगी। तीनों भाई अपने घर वापस लौटे। तो बताओ बच्चों, क्या तुम्हें तुम्हारी जीवन साथी मिली? मुझे बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली है पिताजी। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है। मेरी पसंद की हुई लड़की भी बहुत खूबसूरत है। उसके सुनहरे लंबे बाल हैं। क्यों, क्या हुआ वीको? लगता है तुम्हारी जीवन साथी के तेज दांत और लंबे कान होंगे।
इसमें हंसने की क्या बात है? मेरी जीवन संगिनी नाजुक नन्ही सी जान है जो शाही कपड़े पहनती है। तब तो वो जरूर राजकुमारी होगी। हाँ, और जब वो गाती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। दोनों बड़े भाई वीको की बात सुनके कुछ ज्यादा खुश नहीं हुए। कुछ दिन बीत जाने के बाद किसान ने अपने होने वाली बहुओं की परीक्षा लेने की सोची। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बहुएं खाना अच्छा बनाना जानती है या नहीं। उनसे कहो कि मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाए। दोनों बड़े भाई तैयार हो गए, लेकिन वीको शांत था। वो जानता था कि एक नन्हे से चूहिया रोटी नहीं बना सकती। फिर भी वो जंगल की तरफ गया। चूहिया उसे देखकर बहुत खुश हुई। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे, लेकिन बात क्या है, परेशान लग रहे हो। मेरे पिताजी ने हमारे होने वाली बीवियों से रोटी बनाने को कहा है जो तुम नहीं कर सकती। मेरे भाई तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और अगर मैंने कहा कि मैं बना सकती हूँ तो वो तुम पे नहीं हंसेगा। मैंने तो आज तक किसी चूहिया को रोटी बनाते नहीं देखा। पर मैं बना सकती हूँ। चूहिया ने चांदी की एक छोटी सी घंटी 3 बार बजाई। घंटी की आवाज सुनते ही बहुत सारे चूहे अचानक कहीं से आए और चूहिया के आसपास जमा हुए। चूहिया उनके सामने शान से खड़ी रही और शाही अंदाज में बोली, तुम सभी मुझे अच्छा सा गेहूं ला कर दो। वीको के देखते ही देखते सारे चूहे गायब हो गए और जब वो वापस आए तो उनके पास अच्छे गेहूं के दाने थे। सारे गेहूं के दाने लेकर चूहिया ने बहुत बढ़िया पाव बनाया। तीनों भाई पाव लेकर अपने पिता के पास पहुँचे। बड़े बेटे ने बाजरे की रोटी पेश की। बहुत बढ़िया, ये रोटी हमारे जैसे मेहनती लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरे बेटे ने जौ की बनाई हुई रोटी पेश की। जौ की रोटी भी बहुत अच्छी होती है। और वीको ने सफेद रोटी पेश की। वाह, सफेद रोटी, लगता है तुम्हारी जीवन साथी बहुत पैसे वाली है। हाँ, सही कहा, उसने बताया तो था कि वो एक राजकुमारी है। तो ये तो बताओ कि उसे इतना अच्छा गेहूँ कहाँ से मिला? वो एक छोटी सी चांदी की घंटी को 3 बार बजाती है और उसके सेवक वो चीज लाते हैं। मैं तुम तीनों की पसंद से बहुत खुश हूँ। उन तीनों ने रोटी भी बहुत बढ़िया बनाई। इससे पहले कि तुम उन्हें घर लाओ, मैं चाहता हूँ कि वो तीनों मेरे लिए कुछ बुने। मेरी वाली तो बहुत अच्छा बुनती है। मेरी वाली भी। वीको ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि चूहिया कुछ भी नहीं बुन सकती थी। वो फिर से जंगल वाली झोपड़ी में गया। चूहिया भाप गई कि वो चिंता में है। उसने इसका कारण पूछा। मुझे पता नहीं कि तुम ये कर पाओगी क्योंकि मैंने किसी चूहिया को बुनते हुए नहीं सुना है। क्या तुम? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर उसने चांदी की घंटी 3 बार बजाई। बहुत सारे चूहे वहाँ आ गए और उसके सामने बैठ कर उसके हुक्म का इंतजार करने लगे। तुम सभी मुझे सबसे बेहतरीन दर्जे के रुई लाओगे। उसका हुक्म सुनते ही सारे चूहे वहाँ से निकल पड़े और जब वो वापस लौटे तो बेहतरीन किस्म की रुई लेकर आए। चूहिया ने रुई से बढ़िया धागे बनाए। वो इतना मखमली था कि उसने उसे संभाल कर रख दिया। ये लो वीको, तुम्हारे पिताजी को पसंद आएगा। वीको वो लेकर अपने घर आया। उसके दोनों भाइयों ने भी अपने पिताजी को बुना हुआ कपड़ा पेश किया। ये तो खुरदुरा सूती है, कुछ खास नहीं है पर ठीक है। फिर दूसरे बेटे ने अपने पिता को उसकी प्रेमिका ने बुना हुआ कपड़ा पेश किया। ये तो सूती और लेनन का बना हुआ है, ये थोड़ा ठीक है। तुम क्या लेकर आए हो वीको? वीको ने अपने पिता को लाई हुई चीज पेश की। दोनों भाई उस पर हंसने लगे। तुम्हें पिताजी ने कपड़ा लाने के लिए कहा था, कोई पत्थर की गेंद नहीं। लेकिन कुछ ही देर में उनकी हंसी गायब हो गई जब पिताजी ने उसे खोल कर देखा। उसमें से रेशम का शानदार कपड़ा बाहर निकला। वाह, इसका इंतजाम उसने कैसे किया? उसने चांदी की घंटी बजाई और अपने सेवकों से सबसे बेहतरीन रेशम लाने को कहा। फिर उसने बुन कर आपके लिए कपड़ा बनाया। बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी जीवन साथी राजकुमारी है। अब तुम तीनों तुम्हारी प्रेमिकाओं को घर ला सकते हो। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कल ही लेके आओ।
चूहिया ये खबर सुनते ही बहुत खुश हुई और सच संवर कर तैयार हो गई। फिर उसने चांदी की घंटी बजाई और एक सवारी और पांच चालक को बुलवाया। कुछ ही देर में एक शानदार सवारी जिसे पांच चूहे खींच रहे थे वहाँ पर आई। वीको ये देखकर हैरान रह गया। चूहिया शान से सवारी में बैठ गई और सवारी की दोनों तरफ चालक सवार थे। फिर उनकी सवारी वीको के घर की दिशा में चल पड़ी। वीको सवारी के साथ चल रहा था। घबराओ मत, ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना, और मेरे पिताजी की चिंता भी मत करना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो एक घने जंगल में से गुजर रहे थे। वहाँ एक झरना था और एक नदी बह रही थी। वो नदी के पुल पर से गुजर रहे थे। पुल पर से गुजरते वक्त उन्हें अचानक सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया और उस आदमी ने सामने से एक चूहों का काफिला आते देखा। वो हंसा और उनको एक लात मार के नदी में गिरा दिया। ये तुमने क्या कर दिया? क्यों किया ऐसा तुमने? तुमने मेरी प्यारी जीवन साथी को नदी में गिरा दिया। वो चूहिया तुम्हारी जीवन साथी है? वो उन पर हंसा और आगे चल दिया। वीको को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने नदी में उनको तलाशा पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। ओ मेरी प्यारी जीवन साथी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ये कहकर वीको जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा कि एक शानदार रथ नदी की दूसरी ओर खड़ा था जिसे पांच घोड़े चला रहे थे और एक खूबसूरत लड़की रथ में बैठी थी। वीको उस शाही रथ को देखता ही रह गया। वीको आगे बढ़ा और रथ के पास आया। उस लड़की को देखकर वीको हैरान रह गया। वीको, क्या तुम मेरे पास नहीं बैठोगे? मैं? तुमने मुझे एक चूहिया होने के बावजूद अपना जीवन साथी बनाया। मैं एक राजकुमारी हूँ, उम्मीद है अब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम वो चूहिया हो? हाँ, लेकिन मैं एक राजकुमारी हूँ जिसे श्राप मिला था और वो इसीलिए टूटा क्योंकि तुमने मुझे अपना जीवन साथी मान लिया और उस आदमी ने हमें पानी में फेंका। अब मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। अब हम तुम्हारे पिताजी से मिलेंगे, फिर शादी करके राजमहल में चलेंगे। और फिर वो चल पड़े वीको के घर। किसान और उसके दोनों बेटे वीको और उसकी जीवन साथी को देखकर हैरान रह गए। पिताजी, ये है मेरी पसंद। तुम्हारी पसंद तो वाकई में खूबसूरत राजकुमारी है। बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिली? वहाँ उस जंगल में, जिस दिशा में वो पेड़ गिरा था। जिस दिशा में पेड़ गिरा था, मैंने सुना है कि वो सबसे सही जगह है जीवन साथी ढूंढने के लिए। अगर हमारे पेड़ भी उसी दिशा में गिरे होते तो हमें भी एक खूबसूरत राजकुमारी मिलती। पर वो गलत थे। वीको को राजकुमारी इसलिए मिली क्योंकि उसने एक चूहिया को भी अपना लिया था। किसान ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी शादी करा दी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगे।